गुड मॉर्निंग वरिंदर, दमदार नतीजों की लिस्ट इस बार काफी बढ़िया, काफी अच्छे नतीजे आ भी रहे हैं। आज आपको क्या क्या पसंद आया बताइए। मॉर्निंग सर, कुणाल भाई बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, टाटा मोटर्स डीवीआर। जी यही बोलूंगा कि सर वो 300 का नहीं, मैं कम से कम आपको 500 का भाव दिखाऊंगा वाह, उसका, एक साल में हो, दो साल में हो, बट कम से कम क्यों होगा और यू नो व्हाई इज द रीजन, वो कभी आराम से बात करेंगे यू नो टाटा जरूर, मोटर्स डीवीआर के बारे में। बिल्कुल सर रिजल्ट्स पे अगर फोकस करें तो यू नो एक सेगमेंट जहां पे रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं वो है ऑटो सेक्टर, और अपने को सबको पता है कि क्यों, बिकॉज यू नो इनपुट प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जो जो कंपनीज कॉस्ट प्रेशर के होते हुए भी अच्छे नंबर्स दे रही है उनमें हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत वापस आ रहा है, जैसे टीवीएस मोटर्स में हुआ या महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ। अब आपको मारुति का सर मार्जिन कम होकर मेरे ख्याल में 5% हो गया था, कल एमआरएफ का नंबर आया 10% हो गया था, उस रिजल्ट में बॉश के जो नंबर्स आए हैं ना सर, आई थिंक देयर वाओ रिजल्ट्स। यू नो मगर यू नो सर ये स्टॉक 25,000 का होता था, आज कुछ 18,000 का स्टॉक है, सो अभी तक वो ऑल टाइम हाई के पास गया ही नहीं है। सर ये 20-22% ऑपरेटिंग मार्जिन करता था जब ये ऑटो साइकिल चलता है, आज भी 14% के मार्जिन पे है अच्छे नंबर आने के बाद भी, सो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत बड़ा आ सकता है यहां से आके भी, एक चीज। दूसरा चीज सर आप नंबर्स देखिए, वाई एन वाई क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों नंबर्स देखिए, सेल्स 18% ऊपर है सर वाई एन वाई, 19% क्वार्टर एंड क्वार्टर, एबिटा 350 करोड़ आया सर, प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू यू नो व्हाट अदर्स वर, बिकॉज उसमें यू नो टैक्स रिवर्सल भी हुआ है तो उसके कारण उसको उसका बेनिफिट मिला है। बट अगर आप सारी सेगमेंट देखेंगे ना सर, जैसे कि इसका प्रोडक्ट सेगमेंट देखें, पावर ट्रेन सॉल्यूशन देखें, आफ्टर मार्केट डिवीजन देखें, आई थिंक एवरीथिंग इज फायरिंग, 20% 15% 27%, मतलब कि हर एक सेगमेंट फायर कर रहा है। सो आई थिंक बॉश इन दिस एनवायरमेंट, स्पेशली इन दिस एनवायरमेंट, टफ एनवायरमेंट, बहुत स्ट्रांग नंबर्स थे। उसी सेक्टर में सर अगर एक मैं छोटा सा कंपनी ऐड कर सकूं, शारदा मोटर्स, एज आई सेड अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैव रिपोर्टेड वेरी वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स। ये शारदा मोटर्स का नंबर्स देखिए सर, मतलब 52% एबिटा ऊपर था, क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूं, लेट्स फॉरगेट वाई एंड वाई, मार्जिन सर 10.5% आया कंपेयर टू 8.5% क्वार्टर क्वार्टर, सो यू आर सीइंग इन एन ऑटो एंसिलरी कंपनी मार्जिन इंप्रूविंग विच इज समथिंग विच यू हैव टू टेक नोट, और 15 टाइम पे ट्रेड करता है शारदा मोटर्स। एक कंपनी सर रेडिंगटन, यू नो मैं अगेन मैं बार बार डिस्क्लोजर, यू नो वी होल्ड इन अवर पर्सनल पोर्टफोलियोज, वी हैव एडवाइज दिस स्टॉक टू अवर क्लाइंट्स, मतलब दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ई लॉजिस्टिक्स कंपनी सर। हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब ये यू नो लॉजिस्टिक्स कंपनी जो भी आएगी, डिलीवरी आएगी आईपीओ के लिए, तो कभी टीसीए ऊपर है, कभी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ऊपर है, ये ऊपर है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट रेडिंगटन। सर नंबर्स देखिए, सेल्स सर इसका प्रॉफिट सर 327 करोड़ आया, विच इज अप 76% वाई एन वाई, 38% क्वार्टर एंड क्वार्टर, एबिटा 433 करोड़ आया, विच इज अगेन अप 25% क्वार्टर एंड क्वार्टर और 50% वाई एन वाई। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं सर इस चीज में, आई थिंक इसका मार्केट कैप कुछ 11-12 हजार करोड़ है सर, इसके पास 3,500 करोड़ कैश पड़ा है, 3,500, और सर ऑलमोस्ट अभी ये 1,100-1,200 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने लगा है साल का। इंडिया में मुश्किल से 200 कंपनीज होंगी सर जो 1,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाती है, ये कंपनी 8 टाइम्स पे ट्रेड करती है, 8 टाइम्स पे, और इसका इंडिया बिजनेस का आरओसी 71% है, ग्लोबल का 77% है, 8 टाइम पे इंडिया बिगेस्ट ई लॉजिस्टिक्स कंपनी मिल सकता है, आई डोंट नो व्हाई। तो तीन ये मेजर बहुत स्ट्रांग कंपनी, जैसा वीक नहीं है, बट आईजीएल अगर मैं बोल सकूं तो आईजीएल के नंबर अच्छे आए थे, वॉल्यूम बहुत शानदार थे, बट मार्जिन इनलाइन थे, बट आईजीएल में इशू एक ही है सर, क्योंकि नेचुरल गैस स्पॉट एलएनजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो लोग पास कर सकेंगे नहीं पास कर सकेंगे, किस तरीके से क्या होगा आगे जाके, आई थिंक दैट इज अ कंसर्न व्हाट ऑल द एनालिस्ट हैज, बट अदरवाइज आप एबिटा देखिए, एबिटा पर एससीएम देखिए, वो दोनों अच्छे थे। एक कंपनी सर इन इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स, कल आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था एलजी इक्विपमेंट के बारे में, आज कैनामेटल देखिए सर, आई थिंक इस स्पेस में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स में बहुत चीजें हो रही हैं। कैनामेटल 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट, 3100 करोड़ का एबिटा सर 21% ऊपर था क्वार्टर एंड क्वार्टर और 65% ऊपर था वाई एन वाई, मार्जिन 17.5% से 19% हो गए क्वार्टर एंड क्वार्टर और वाई एन वाई तो 13% थे, मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में सर, मतलब आई थिंक द डिमांड इज सो स्ट्रांग इन सम ऑफ दीज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स दैट यू नो इस क्वार्टर से वो नंबर्स आने चालू हो गए हैं। तो ये 4-5 कंपनीज है सर, आज कोई वीक कंपनी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ही कोई वीक कंपनी है, बेल के नंबर्स इन लाइन आए थे, पेट्रोनेट के नंबर्स आए थे जहां पे ट्रेडिंग गेन्स थे, तो इसलिए उसके नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, तो वीक साइड पे कोई नंबर नहीं है,
स्ट्रॉन्ग साइड पे आपको मैंने 4-5 नंबर्स बता दिए। ऐसा तो कमी सुनने को मिलता है कि आपको कोई रिजल्ट खराब या बहुत मतलब नापसंद वाले हों, ये तो अच्छी बात है, तो कम से कम अच्छे नंबर्स हैं, भेल भी है खराब, मतलब बहुत खराब नहीं है, ठीक है, वैसा ही है कि भेल का, जी जी सर भेल का इशू पता क्या है सर, बाकी अब भेल का बाकी एक सेकंड अगर मैं ले सकता हूं तो भेल का एग्जीक्यूशन जो है ना सर, बाकी आज वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है भेल का, 5,000 करोड़ का वो क्वार्टरली रन रेट करने लगा है, मतलब कि 20,000 करोड़ का उसका सेल्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठा है, मैनेजमेंट में ईवी चार्जिंग, शिप बिल्डिंग, सोलर सेल्स, ग्लोबल कंपनीज का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आना, ये सब बातें की हुई है। द गुड थिंग इज वॉज कि इनका सेल्स बढ़ा इस बार, यू नो 3,500 करोड़ से कुछ 5,100 करोड़ सेल्स हुआ, बट क्योंकि कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट 25% बढ़ गया था, एबिटा लॉस हुआ। इस कंपनी में सर एक ही चीज आप ट्रैक करिए, इसके रिसीवेबल्स, इसके रिसीवेबल्स अभी भी 500 दिन है सर, 500 दिन इसका जो सारा पैसा अटका हुआ है रिसीवेबल्स में अटका हुआ है। इट इज लाइक एलएनटी, जब एलएनटी 800-900 पे ट्रेड करता था ना कि अभी भैया उसके पास ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता नहीं है, ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता नहीं है, इनका एग्जीक्यूशन भी होगा, बट इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे या बहुत सारे एनालिस्ट को यही है कि भैया इसका रिसीवेबल का पैसा वापस आना चाहिए इसे, जब तक रिसीवेबल का पैसा वापस नहीं आएगा तब तक इसको कभी भी अर्निंग मल्टीपल मिलेगा नहीं, तो ये बहुत ही जरूरी। मतलब इस क्वार्टर में रिसीवेबल्स 11% नीचे था वाइड वाई सर, बट अभी भी 500 दिन है, 500 डे सर, इट इज वेरी वेरी हाई। सो यू नो जब ये इंप्रूव होगा तब लोग इसकी तरफ देखने लगेंगे, बट आई सेड 25,000 करोड़ मार्केट कैप, 20,000 करोड़ सेल्स, 1,00,000 करोड़ ऑर्डर बुक, इट इज समथिंग जो लोग देखते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं BHEL आगे जाके कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। कुछ मैट्रिक्स पर देखें तो नतीजे उतने खराब नहीं है, बट ऑफ कोर्स रिसीवेबल्स की सिचुएशन अभी भी सुधरनी बाकी है। शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों की एनालिसिस करने के लिए। आइए फिर